ट्रेलर के इस पर्टिकुलर शॉट में हमें बैकग्राउंड नरेशन सुल्तान को एड्रेस करता हुआ दिखता है, सुल्तान को। और हम इस शॉट में देख सकते हैं एक बंदा सीढ़ियां चढ़ रहा है। पीछे से देखने में ये थोड़ा बहुत रॉकी भाई जैसा लग रहा है, पर क्या ये सच में रॉकी भाई ही है? साथ ही साथ इस पूरे ट्रेलर में एक सुल्तान और उसके एक बहुत ज्यादा लॉयल सोल्जर के बारे में बातें चल रही है, और ट्रेलर को देख के यही लगता है कि भाई वो सुल्तान मोस्ट प्रोबेबली वर्धा होगा एंड उसका मोस्ट लॉयल सोल्जर प्रभास यानी कि देवा होने वाले हैं। एंड ट्रेलर में जिस तरह से प्रभास को इस नरेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सुन के तो यही लगता है कि भाई ये दोनों कैरेक्टर्स वही हैं। लेकिन ट्रेलर के एंड में हमें ये रिवील होता है कि एक्चुअली में ये जो पूरी स्टोरी है ये वर्धा को उसके बचपन में उसके काका ने सुनाई थी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सुल्तान और उसका सोल्जर वर्धा और देवा तो बिल्कुल नहीं है, तो एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर्स हैं कौन। इसके अलावा इसी मूवी को लेके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लीक हुआ है जो कि केजीएफ और सलार दोनों के कनेक्शन को 100% कंफर्म कर देता है। ऐसी ही 10 डिटेल मैंने नोटिस करी सलार के रिलीज ट्रेलर के अंदर, जिनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी। सुल्तान जो भी चाहे। वो उसे ला कर देता था। ट्रेलर के एक शॉट में हम देख सकते हैं देवा का यंगर वर्जन एक गेट के ऊपर कील ठोक रहा होता है। अब इस गेट पे अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे सिल्वर वायर और कीले दिखेंगे। अब जिस तरह से इन वायर और कीलों को लगाया गया है, देख के साफ पता चलता है कि भाई किसी नौसिखिए का काम है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देवा ने ही इन जुगाड़ों को बैठाया होगा ताकि वो इस गेट को लॉक कर सके। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो कुछ ऐसा काम कर देगा जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, बट वो कर देता है गलती से, और शायद इसी गलती की वजह से उसको खानसार से निकाल दिया जाएगा और उसे वर्धा से अलग होना पड़ेगा। एंड सिंस आप इस गेट के ऊपर खून के हैंडप्रिंट्स देख सकते हो जो कि मोस्ट प्रोबेबली देवा के ही होंगे, जिससे ये पता चलता है कि भाई कुछ लंबा कांड किया है देवा, जिसके बाद उसे निकाला जाएगा खानसार से। इसके अगले शॉट में हम एक अखाड़े को देख सकते हैं जहाँ पे कुछ पहलवान कुश्ती कर रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं और लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस पहलवान से लड़ने के लिए देवा बीच में क्यों कूद रहा है? इसका आंसर हमें मिल जाएगा अगर हम इस फ्रेम में जूम करके देखें साइड में, तो यहाँ पे एक पहलवान ऑलरेडी गिरा पड़ा है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि पहले इन दोनों के बीच में फाइट हुई होगी और ये बंदा जो अभी तक खड़ा है ये जीत गया, और जो भी इस फाइट में हारा है वो शायद देवा का एक बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन होगा, जिसकी वजह से गुस्से में आके देवा उस पहलवान के अगेंस्ट आके खड़ा हो गया है। और उसे हराने के लिए करंट की वायर को पकड़ना देवा के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। आगे के कुछ शॉट्स में हम खानसार के पूरे एम्पायर को देखते हैं, जो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से भी देखोगे, मतलब नहीं भी देखोगे तो दिख जाएगा बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। बीच से इस पूरे एम्पायर की एक नदी बहती है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि पहले के जमाने में जब सिविलाइजेशन बसती थी तो वो किसी नदी के किनारे में बसती थी ताकि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती रहे। एंड सिंस ये जो पूरा खानसार एम्पायर है ये करीबन हजारों सालों से चला रहा है, तो ये मेक सेंस भी करता है कि खानसार के बीच में एक नदी भी है। एंड अगर इस शॉट को आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, जूम करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि खानसार एम्पायर के अंदर एक रनवे भी है, जो कि इस पूरे एम्पायर की स्केल को दर्शाता है कि एक्चुअली में कितना बड़ा एम्पायर है इस मूवी के अंदर। अब अगले शॉट में हम खानसार एम्पायर के किले को देखते हैं, जिसका वाइड एंगल शॉट हमें सलार के पिछले ट्रेलर में देखने को मिला था। एंड अगर इस पूरे पेरीमीटर को तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पेरीमीटर हैवीली गार्डेड है सोल्जर से, एंड साथ ही साथ जरा तुम इन डिफेंस व्हीकल्स को देखो भाई, कुछ अजीब ही लग रहे हैं, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स हैं। एंड इन व्हीकल का एक क्लोजअप शॉट हमें ट्रेलर में आगे भी देखने को मिलता है। अब फाइनली इस शॉट को लेकर ट्रेलर में बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, थ्योरी वगैरह बन रही है कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर जो सीढ़ियां चढ़ रहा है ये रॉकी भाई का कैरेक्टर है, एंड सिंस बैकग्राउंड नरेशन सुल्तान को एड्रेस करता है एंड सुल्तान रॉकी को ही कहा जाता है, तो शायद ये रॉकी भाई ही है। जहां पहले व्यू में देख के तो ये साफ लगता है कि हाँ भाई बंदे ने सूट पहन रखा है जो कि रॉकी भाई का डिसगाइज है, एंड इसके बाल भी थोड़े बहुत लंबे से फील होते हैं जो कि प्रोबेबली अगेन रॉकी भाई को ही हिंट करता है। बट एक्चुअली में अगर आप जरा भी ध्यान देखोगे तो इसने पूरा सूट नहीं पहना है, इसने सिर्फ ऊपर ब्लैक कोट पहनी और नीचे इसने धोती पहन रखी है, वही नॉर्मली काली धोती, जो कि रॉकी भाई का स्टाइल बिल्कुल नहीं है, रॉकी भाई धोती नहीं पहनते, तो मेरे ख्याल से ये रॉकी भाई बिल्कुल नहीं होने वाले। एंड इतना ऑब्वियस हिंट तो कोई भी मूवी वाला नहीं डालेगा, मतलब प्रशांत ने खुद जाके इंटरव्यू में बोला कि मूवीज कनेक्टेड नहीं है, तो इतना ऑब्वियस हिंट ड्रॉप करना मेक सेंस नहीं करेगा, इट्स कम्प्लीटली लॉजिकल टू ड्रॉप दैट काइंड ऑफ हिंट। लेकिन वही ट्रेलर में आगे इस शॉट में हम देख सकते हैं राज मन्नार को ब्लैक कोट और काली धोती के साथ, तो प्रोबेबली ये कैरेक्टर राज मन्नार का ही है या फिर शायद कोई और कैरेक्टर हो, लेकिन ये रॉकी भाई तो नहीं है फॉर श्योर। अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और थ्रोन को लेकर जो राइवलरी हो रही है अलग अलग ट्राइब्स के बीच में और जो धोखाधड़ी चल रही है वो सब दिखाई जाती है। एंड यहाँ पे जो अपना वर्धा है वो हार चुका है, अब वो हारने के बाद अपनी आर्मी की जगह देवा को बुलाने जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो व्हीकल अकेले जा रही है डेजर्ट के थ्रू ये देवा को ही बुलाने के लिए जा रही है। एंड फिर आगे हम प्रभास को देखते हैं जो कि एक्चुअली में एक कोल माइन में काम कर रहा है, एंड ट्रेलर में यहाँ पे आके ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि प्रभास एक्चुअली में इस मूवी के अंदर एक मैकेनिक होने वाले हैं, एंड उनके काम का एक छोटा सा डेमो हम इस ट्रेलर में देख भी सकते हैं जहाँ भाई वो 7-8 मशीन गन्स को कलेक्टिवली चला रहे हैं, मतलब कि जब चैप्टर 2 में तुम एक्साइटेड हो गए थे एक बड़ी माँ को देख के, यहाँ पे प्रभास भैया 8-10 बड़ी माओं को इकट्ठा खड़े करके चला रहे हैं, मतलब कितना कूल होगा वो शॉट, थोड़ा इमेजिन करो।
अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें प्रभास भैया के कुछ कूल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं एंड ये सीक्वेंसेस काफी हैं किसी भी बंदे को मूवी को लेके एक्साइट करने के लिए। आई मीन मुझे तो काफी एक्साइटेड कर गया और मेरी हाइप मूवी को लेके बढ़ रही है। अब आगे हमें एक आर्मी दिखाई जाती है जो कि किसी को मारने जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी आर्मी वर्धा और देवा को मारने ही जा रही है क्योंकि पिछले ट्रेलर में हमें देखने को मिला था कि वो दोनों एक जेल में कैद हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से वो भाग गए होंगे और इसीलिए ये पूरी आर्मी उन्हें ही पकड़ने जा रही है। एंड इस बात का कंफर्मेशन तुम्हें प्रभास के शर्ट से देखने को मिल जाएगा, जहां जब वो दोनों जेल में थे तब प्रभास ने सेम शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद इस ट्रेलर में जब हमें देखने को मिला कि प्रभास अपनी हथकड़ियां तोड़ते हैं तब भी सेम शर्ट है, और उसके बाद पिछले ट्रेलर का जो एंड शॉट था जहां पे वो ऐसे ही सोल्जर से घिरे हुए होते हैं तब बोलते हैं प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, वहां पे भी सेम टी शर्ट थी, जो कि मेरी ये थ्योरी प्रूफ करती है। लेकिन अगर इसको स्टोरी के सीक्वेंस वाइज में समझे तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वर्धा और देवा दोनों एक फाइट में कैप्चर हो जाते हैं अपोनेंट के अगेंस्ट, जिसके बाद इन दोनों को इनके सारे फ्रेंड्स और इनके सोल्जर्स को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जेल ब्रेक करते हैं और एक कॉरिडोर में जाके पहुंचते हैं। इनके जेल ब्रेक करने की वजह से पूरी आर्मी अलर्ट हो जाती है और पूरी आर्मी उस कॉरिडोर में जाके पहुंचती है जहां पे प्रभास भैया अपनी हथकड़ियां तोड़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले बंदों से, जो कि ऑफ कोर्स वो मानेंगे नहीं रिक्वेस्ट से, और फिर आगे क्या होगा वो तुम जाके थिएटर में देखना, सब कुछ मैं यहां थोड़ी बताऊंगा। उसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट, जहां हमें पता चलता है कि इस पूरे ट्रेलर में जिस सुल्तान और एक लॉयल सोल्जर की बात हो रही होती है वो वर्धा और देवा तो है ही नहीं, क्योंकि जहां ये स्टोरी नैरेट हो रही है उस टाइम पे वर्धा अभी छोटा बच्चा है, जिसका मतलब ये साफ हुआ ये सुल्तान और सोल्जर वाली स्टोरी वर्धा और देवा की नहीं है। तो एक्चुअली में ये स्टोरी है देवा के पिता सालार की, जहां प्रोबेबली सालार के कैरेक्टर को नेक्स्ट मूवी के अंदर दिखा जाएगा और इसको भी प्रभास प्ले करेंगे। एंड जो काम देवा करेगा वर्धा के लिए वही काम प्रोबेबली सालार करते थे वर्धा के पिता राज मन्नार के लिए, एंड उन्होंने काफी रिमार्केबल और काफी अच्छा काम किया है अपने पूरे एम्पायर के लिए, खानसार एम्पायर के लिए, तभी तो उनकी मिसालें अभी तक दी जाती है खानसार में। अब ट्रेलर के एंड में हमें एक और बहुत बड़ा रिविलेशन देखने को मिलता है, जहां हमें पता चलता है पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए, और यहाँ पे बात हो रही है वर्धा और देवा की। अब एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है मूवी को लेके, और इसको अगर ट्रेलर में नहीं डालते तो ही बेहतर था। अब मानो या ना मानो लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा हिट करने वाली है मूवी में, क्योंकि देवा और वर्धा दोनों के बीच की केमिस्ट्री को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि हमें सलार के सॉन्ग से पता चल जाता है कि भाई इनके बीच की केमिस्ट्री कितनी ज्यादा डीप होने वाली है, मूवी में देखने को भी मिलेगी। एंड उसके बाद जब इनकी फ्रेंडशिप टूटेगी तो बहुत ज्यादा हिट करेगी, हर्ट होगा भाई ऑडियंस को जो मूवी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं उस लीक्ड वीडियो की जो कि केजीएफ और सलार के कनेक्शन को कंफर्म करता है, लेकिन उस पे बात करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। मैं बैकग्राउंड में सिखाइटाने वाले आज ये इन्हें पिन्ने इधर अंडर ना रिलीज आवन नंदे प्रभास अंगलम यश अंगलम प्रतिराज अंगलम अभिनेत्री ना सलार भाई जो छोटी सी बच्ची है उसने सलार मूवी के किसी एक म्यूजिक में काम किया है, एंड वो यहाँ पे खुल के आके ऐसा स्टेटमेंट देती है, और इस मूवी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है प्रभास अंकल, पृथ्वीराज अंकल और यश अंकल ने। तो प्रोबेबली प्रशांत नील जो अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो इस छोटी सी बच्ची ने अनजाने में रिवील कर दिया, एंड इस चीज को मेकअप करने के लिए प्रशांत नील जगह जगह पे बोल रहे हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची है और उससे गलती हो गई और ऐसा कुछ मूवी के अंदर है नहीं। अब देखो नील भैया आपने थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट बना के रखा था, लेकिन अब वो स्पॉइल हो चुका है, एंड प्रोबेबली अब ये 110% कंफर्म हो चुका है कि दोनों मूवीज कनेक्टेड होने वाली हैं। हालांकि डे वन से मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जिस दिन से प्रशांत नील ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि दोनों मूवीज कनेक्टेड नहीं है, मैं उस दिन से बोल रहा हूँ कि भाई बंदे के स्टेटमेंट में कुछ सस्पिशियस है, एंड मैं सही था, दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड है, ये वीडियो उस चीज का प्रूफ है। एंड प्रोबेबली सलार के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो चीज देखने को मिल जाएगा जो कि अप्रोक्स 1:55 का होने वाला है, हालांकि ये भी एक रूमर है तो इसको कंफर्म मत समझ लेना। बाकी यही था एक छोटा सा वीडियो सलार के रिलीज ट्रेलर के कुछ डिटेल्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।